बाबर आजम की शहीन अफरीदी की शादी में शिरकत, जबानी तकरार की अफवाहें मुस्तरा। जी हां दोस्तों, बाबर आजम बरात में शिरकत के लिए दुबई से खसूसी तौर पर कराची पहुंचे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी की शादी में शिरकत करके जबानी तकरार से मुतल्लक खबरों को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे कि एशिया कप 2023 के सुपर फोर मरले में श्रीलंका के हाथों सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शहीन अफरीदी के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहें जेरे गर्दिश थीं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि श्रीलंका से शिकस्त के बाद शहीन और बाबर के दरमियान ड्रेसिंग रूम में जबानी तकरार हुई थी। बाबर आजम शहीन शाह अफरीदी की बरात में शिरकत के लिए दुबई से खसूसी तौर पर कराची पहुँचे। इस मुबारक मौका पर पाकिस्तानी कप्तान शहीन और साबिक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को गले भी मिले। याद रहे कि इससे कबल शहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और एक्स पर बाबर के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। शहीन अफरीदी की जानिब से शेयर की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो कप्तान के साथ बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। ख्याल रहे कि हाल ही में सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फास्ट बॉलर शहीन अफरीदी को ऑलराउंडर शिदाब खान की जगह वनडे और टी20 टीमों का नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान है।